वर्तमान शिक्षक नियुक्ति हो कि अन्यान्य आपणकर ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा जहाँ भी नियुक्ति होकर मल्टी सेटिंग रे जो आप एग्जाम हो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करने मैंने पूर्व रही आसूबी नॉर्मल प्रोसेस हाँपाई गोटे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन पक्ष नोटिफिकेशन टे जारी कर पूर्व नोटिफिकेशन को आधार करके नोटिफिकेशन जारी कर बंधु मैंने मैं सूचना गोटे दी जाए नोटिफिकेशन दंड सूचना दि जाए बंधु मैंने एथेर कहुए नॉर्मलाइजेशन कहीं नॉर्मलाइजेशन कह कारण कौन नॉर्मलाइजेशन किपर कराए नॉर्मलाइजेशन आवश्यकता कौन कौ कौ एजेन्सी नौ कौ कौ जब नि तो बंधु मैंने ये गोटे कथ आसुच्चे फास्ट सीटिंग पिला एग्जाम होगा सेकेंड सीटिंग पिला एग्जाम आरंभ हुए से बंधु मैंने अनेक एग्जाम आपंकर क्वेश्चन किसी रिपीट हुए जमी आप देखते हैं 2019-20 जो एग्जाम होता टीचर रिक्रुटमेंट एग्जाम से सीबीटी परीक्षा फास्ट सीटिंग क्वेश्चन पेपर सेकेंड सीटिंग बहुत रिपीट होते फास्ट सीटिंग पिला जो जो एग्जाम देते पचारिकी आवार होगले जेहेतु 15-20 क्वेश्चन मैंने से जानदे नोन होगा पे फोन करके पिला जो कंटाक्ट अच्छे जानदे तो से क्षेत्र में 20-15 मार्कटा भरणा किभ सेकेंड सीटिंग कर से संपर्क में तो नोटिस ना कि कहुई इजी लेवल आ डिफिकल्ट लेवल ताकू देखिए से नॉर्मलाइज प्रोसेसन करेंगे नॉर्मलाइज प्रोसेस केमती करेंगे ना जब कम ये प्रोसेस यार कम मार्क अच्छे से मानने कमी पारे कि कम हो सी बढ़ी पारे तो यह भाव में विभिन्न पॉइंट से 10-12 पॉइंट दि जाए कौ सोर्स नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस मिल पारे से बंधुमान देखिए एथेर कहुई जे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन जो नॉर्मलाइजेशन अर्थ लिखाई साधारणकरण बा नॉर्मलाइजेशन व्याख्या व्याख्या एनालिसिस दिए ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग जो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन देखते साधारण नॉर्मलाइजेशन कौन ना से कहुई साधारणकरण हूँ विभिन्न सीफ्ट जो परीक्षार्थी मान स्कोर कर मार्क को युक्तियुक्त कि सामान करने प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहद्वारा कौन हम ना साधारण स्कोर से मार्क को मूल्यांकन करते साधारण कौन हुए ना जिते बड़े सेट्रे व्यवहार करके विभिन्न सीफ्ट कराए एमसीक्यू मोड में नॉर्मलाइजेशन व्यवहार हुए विस्तृत विज्ञापन में साधारण व्यवहार होगा संभावना अच्छी कि नहीं ओसीसी उल्लेख कर तृतीय पॉइंट नॉर्मलाइजेशन कहीं आवश्यकता कहुई क्या चयन प्रक्रिय समानता बजाय रखा साधारण नोटिस प्रार्थी मान योग्यता को विभिन्न विचार कर समस्त सीफ्ट समान सुविधा डिफिकल्ट प्रश्न स्थिर करने असंभव अटे तो सब को सब एत सीफ्ट जिते एग्जाम हम से सामान प्रश्न टे डिफिकल्ट हो जाए तेणु विभिन्न अलग अलग सेट्र अलग अलग प्रश्न रेवल रही अलग अलग तेनाली गोटे एककृतिकरण सामानकरण करने नॉर्मलाइजेशन टा कर मैंने कहुई जदि जदि परीक्षा 20 सीफ्ट कराए तो 20 प्रश्न आवश्यकता अच्छी कहुई प्रार्थी मानू अन्याय भाव में मूल्यांकन करना से सीफ्ट पाई प्रश्नपत्र अगर सीफ्ट अपेक्षा तुलनात्मक करने कठिन हुए किंतु प्रार्थी स्कोर यही अन्यान्य अन्याय एवं असमानता दूर करने साधारणकरण बा नॉर्मलाइजेशन कर र स्कोर उपर साधारणकरण प्रभाव कौन अच्छी बंधु मैंने कहुए र स्कोर आप कमी थी बढ़ पे कहते र स्कोर जदि प्रार्थी मान मार्क जो से सीफ्ट कठिन प्रश्न पाती स्वाभाविक होगापर नॉर्मलाइजेशन होगापर वृद्धि पाई जो प्रार्थी मान सीफ्ट सहज प्रश्न पाई नॉर्मलाइजेशन पारे ह्रास पाई तेणु के परीक्षण नियुक्ति एजेन्सी एकटा कराए ये लिखा जाए स्टाफ सिलेक्शन आईटीबीपी करुच्ची भारतीय वायुसेना करुच्ची रेल नियुक्ति बोर्ड करुच्ची राज्य नियुक्ति एजेन्सी पीएससी एवं एसएससी करुच्ची विभिन्न ये साधारण पद्धति व्यवहार करनेक सीफ्ट एमसीक्यू जो होता कर शिक्षागत परीक्षा तो आप शिक्षागत योग्यता परीक्षा गोटा नीट जेई ओ जेई साधारण कोण को व्यवहार करके अनेक सीफ्ट जो एग्जाम होती व्यवहार करेणु अधिक आपड़ तथ्य पाइबे लिखा जाए दुटा वेबसाइट दि जाए www.ossc.gov.in उपलब्ध अच्छी किंबा आप जो नोटिफिकेशन नंबर मध्य 555/2020-2444 ओएसएससी डेटेड के 2021
तेणु ये आप उपलब्ध पापर कहुई यहाँ इटिले कहुई कि बंधुवान देखु ठीक कहुई जे विभिन्न सेट्रे एग्जाम हुए जो ए बी सी डी विभिन्न सेट हुए तो बंधु मैंने सीफ्ट हूँ आपण मैंने जानते जो मैंने एग्जाम देते विभिन्न सीफ्ट आपर्वर ये बंधु मैंने डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कह जाए पूर्व आप विभिन्न सीफ्ट एग्जाम होम सिक्यू एस एग्जाम होती नर्मालाइजेसन पसंद कर मानने आपंकर दुई हजार नर्मालाइजेसन प्रोसेस को आडप्ट करागला आपंकर डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करुले विभिन्न सीफ्ट एग्जाम होता कि जो देखाई है गोटे सीफ्ट मानते किसी क्वेश्चन रिपीट सीफ्टे जहाद्वारा कि जो फर्स्ट सीट पिला अपेक्षा सेकेंड सीट पिला टी बेनिफिट पाई से गुड़ाक कि भाव में भरणा हाँ ता सरकार ये नोटिफिकेशन दृष्टि गोचर कर ठीक ढंग से ने कहुची कौन से पिलांगर जो भाव में मार्क एपट सेपट नुहे कि क्या मानने न्याय पाइबार वंचित न कराए से भाया व्यवस्था हाँ बोली सरकार ये नर्मालाइजेसन प्रोसेस टाक नहीं ओसीएस पक्ष तेणु किसी प्रोब्लेम ना टेनसन ना अनेक जो टेनसन हो पड़े नर्मालाइजेसन कौन हो टेनसन किसी ना जमी आप एग्जाम दे कथा दिंतु स्कोर आपत कथा पाए कि एपट सेपट हबार ना जो डिफिकल्ट लेवल टा खाली एपट सेपट हम तेनाली टेंशन दिंतु एग्जाम दिंतु चाकरी करूँ बंद कर।